जन्माष्टमी के प्रसाद की वजह से पल्लवी होगी प्राची पर और ज्यादा गुस्सा और दे देगी रिया को घर की चाबी। लेकिन रिया की असली सच्चाई आएगी पल्लवी के सामने और रणबीर होगा पल्लवी के खिलाफ और देगा प्राची का साथ। और 2 साल पहले प्रज्ञा के एक्सीडेंट के पीछे की असली सच्चाई आएगी अभी के सामने और खुलेगा अभी प्रज्ञा का एक बड़ा राज। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में जन्माष्टमी के दिन रिया प्राची को नीचा दिखाने के लिए और प्राची को बदनाम करने के लिए एक सबसे बड़ी चाल चलेगी, जहाँ पर प्राची को पता ना चले ऐसे रिया ने प्राची के जन्माष्टमी के प्रसाद को बिगाड़ देने की वजह से जब आने वाले एपिसोड में रिया की बड़ी चाल की वजह से प्राची के पैरों में खून निकलने के बाद प्राची का डांस खत्म हो जाने के बाद जब जन्माष्टमी की श्री कृष्ण की पूजा होगी और में सभी को श्री कृष्ण का प्रसाद बांटा जाएगा, तभी पल्लवी की नजर प्रसाद पर पड़ेगी और प्रसाद में जो नहीं होना चाहिए था वो पल्लवी को मिलेगा, क्योंकि किचन में प्रसाद को बिगाड़ने के लिए रिया ने मखाने मिला दिए थे। और प्रसाद को बिगड़ा हुआ देख पल्लवी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी एंड सबके सामने प्राची पर गुस्सा होगी और मेन प्रसाद के बिगड़ने की वजह से पल्लवी मार देगी जोर से तमाचा प्राची को और प्राची को काफी बड़ा शॉक लगेगा। एंड पल्लवी प्राची से पूछेगी कि मैंने तुम्हें कहा था कि जन्माष्टमी में कोई भी गड़बड़ी मत करना और पूरी जन्माष्टमी की पूजा सही तरीके से होनी चाहिए और कहेगी कि ये 56 भोग के प्रसाद में तुमने मखाने क्यों मिलाए, जिसे सुनकर प्राची हिल जाएगी और प्राची कहेगी कि मैंने नहीं मिलाए और मैं ऐसा कर भी नहीं सकती और प्रसाद को बिगाड़ भी नहीं सकती। ये प्राची के मुंह से सुनकर साइड में खड़े सिद्धार्थ को रिया पर शक हो जाएगा और जब पल्लवी प्राची को डांट रही होगी तभी एक तरफ सिद्धार्थ की नजर रिया पर पड़ेगी और रिया प्राची की वजह से काफी ज्यादा खुश होती हुई और अनजान बनती हुई नजर आएंगी, जिससे सिद्धार्थ को कंफर्म यकीन हो जाएगा कि प्रसाद को बिगाड़ने वाली प्राची नहीं बल्कि रिया ही है, क्योंकि जब प्राची किचन में नहीं थी तब सिद्धार्थ ने रिया को किचन में देखा था। लेकिन बड़ा खुलासा सिद्धार्थ नहीं करेगा कि प्रसाद को बिगाड़ने वाली और कोई नहीं बल्कि रिया है, क्योंकि सिद्धार्थ चुप रहेगा और इसी बड़ी वजह से काफी गुस्से से पल्लवी बड़ा फैसला लेती हुई जन्माष्टमी की पूजा को बिगाड़ने पर घर की चाबी पल्लवी प्राची की जगह रिया को दे देगी और प्राची रणबीर एंड दादी को काफी बड़ा शॉक लगेगा। लेकिन रणबीर अपनी माँ पल्लवी के खिलाफ जाकर प्राची का साथ देता हुआ नजर आएगा और कहेगा कि प्राची प्रसाद को बिगाड़ ही नहीं सकती। लेकिन पल्लवी रणबीर की एक बात नहीं सुनेगी और जब दादी भी प्राची के सपोर्ट में पल्लवी को समझाएगी तब पल्लवी भी दादी की बात नहीं सुनेगी और सबसे बड़े राज का खुलासा होगा कि रिया की सच्चाई सबके सामने तब आएगी जब घर की चाबी रिया को मिल जाने के बाद सिद्धार्थ काफी गुस्से से रिया को अकेले कमरे में लेकर जाएगा और रिया से सवाल करेगा कि सच सच बताओ कि जन्माष्टमी के प्राची के प्रसाद को तुमने ही बिगाड़ा था ना, क्योंकि मैंने तुम्हें किचन में प्राची के प्रसाद को बिगाड़ते हुए देख लिया था, जिसे सुनकर रिया को काफी बड़ा शॉक लगेगा। लेकिन एक पल के लिए रिया सिद्धार्थ के सामने इमोशनल नाटक करेगी लेकिन सिद्धार्थ गुस्से से कहेगा कि मुझे सब पता है कि तुमने ही प्राची का प्रसाद बिगाड़ा है, इसी वजह से जो है वो सच बोल दो। और ये सुनकर रिया गुस्से से कह देगी कि हाँ मैंने ही प्राची का प्रसाद बिगाड़ा है क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये सुनकर सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और रिया का असली चेहरा सिद्धार्थ के सामने आएगा और ये बात सिद्धार्थ और किसी को नहीं बल्कि अकेले में रणबीर को बताएगा। और लेकिन रिया का असली चेहरा सबके सामने आना चाहिए या नहीं और घर की चाबी किसे मिलनी चाहिए, प्राची को या फिर रिया को, और रिया को घर की चाबी पल्लवी दे देगी, तो इसके बारे में आपकी राय क्या है कि हमें कमेंट में जरूर बताएं।